भाई सब भान भाइयों ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। और भाई एक भाई का कमेंट आया सक भाई रांगण की दवाई बताओ कोई। तो रांगण की दवाई हो से भाई जब शुरुआत तो हुई से माड़ी माड़ी, जिस तरह कुल्लम दर्द हो गया कोई कोई आ गया, थोड़ा थोड़ा पाव सरकिया सातल में आ गया, गुड़ ताई आ गया, ओमदाय दर्द तो से, तो उसका इलाज से भाई 3 चम्मच तेल ले ले तेला का, और भाई 1 चम्मच रस काट लिया अदरक का, और यो गर्म करके न और सुबह उठते साथ यो ले ली 5-7 दिन लेके देखा है तो उसका तो आराम तो हो जा तो बहुत बढ़िया बात। और नहीं भाई एक नुस्खा और सही का 50 ग्राम चरायता और 50 ग्राम बांस का पत्ता और 50 ग्राम दंती मूल सब मूल जड़ ने से बोल से और दंती नाम से कोई पेड़ का यो भी पंसारी कहे में लगा 50 ग्राम यो लिया और इन मोटा मोटा कूट ले माम जस्तम कूट लो चाहे क्या एम भी कूटो कूट की न और इसका भाई फेरे 3 चम्मच न्यू 3 चुगटी ले लो चाहे 20 ग्राम ताई इसने काडम ले ले 400 ग्राम पानी धरती और वो 100 ग्राम पानी रह जाने जी जिसमें 2 चम्मच अरंड का तेल मिला की छान की और भाई वो मिला की मड़ा गर्म सा करके सुहांदा निवाया निवाया और वो पीओ सुबह उठती है। हाँ तो 50-50 ग्राम एक हफ्ते दवाई बन गई, एक हफ्ते की बन गई तो 20 ग्राम लकड़ी तो एक हफ्ते की, हाँ एक हफ्ते की दवाई बन गई या एक हफ्ते लेके देखो इससे लाभ हो तो अपनी इतनी मात्रा फिर बना ली। और भाई तीसरा उपाय से इसका झाड़ा भी कह दी से नस भी कटे वह तुसाम दोरा सड़गाम से उसमें झाड़ा भी लग रहा है और पाके नस भी कटे उस भी भाई आराम गण एक हो गया, मारा भी लाए थे भाई साथ में दवाई भी करी थी वो भी काम भी करवाया था उसका तो आराम हो गया। तो यो सब इलाज है अपना सब भान भाइया ने मेरी हाथ जोड़ की राम राम भाई लाइक शेयर करया करो और भाई जिसी दवाई जानू से उसी तुम बुझ जा करो और बताया करो भाई जिसके फायदा हो जाए जो तो कह करो और भाई ताई मेरा यो फायदा हो जाए बताया करो भाई राम राम।